नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआई मनी डेबिट यानी एटीएम कार्ड के चार्जेस एंड लिमिट के बारे में। दोस्तों एफआई मनी डेबिट कार्ड की डेली की एटीएम लिमिट दोस्तों 1 लाख रुपये है, यानी आप एफआई मनी एटीएम कार्ड से डेली आप जो है किसी भी एटीएम से 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं और इंटरनेशनल एटीएम लिमिट भी यहां पे 1 लाख रुपये है। यानी कि दोस्तों आप जो है एफआई मनी डेबिट कार्ड से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है 1 लाख रुपये एक दिन में निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम से, क्योंकि दोस्तों ये डेबिट कार्ड यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। आप जो है इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में यहाँ पे डेली मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख रुपये तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे एटीएम से इंडिया देश के अलावा किसी दूसरे देश में यहाँ पे आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं इस डेबिट कार्ड से, क्योंकि ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। एफआई मनी डेबिट कार्ड की डेली ट्रांजेक्शन लिमिट यानी परचेज लिमिट यहाँ पे 5 लाख रुपये तक की है, यानी 5 लाख रुपये तक आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी आपके पास एफआई मनी की डेबिट कार्ड है तो आप जो है इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन 5 लाख रुपये तक यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये डेबिट कार्ड कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड है, इसलिए विदाउट पिन 5,000 रुपये तक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये डेबिट कार्ड पूरी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसलिए इस डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गाइज आप जान लेते हैं इस डेबिट कार्ड की चार्जेज के बारे में। दोस्तों ये डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, यानी इस डेबिट कार्ड का कोई भी इशू चार्जेज एनुअल चार्जेज यहाँ पे नील है। और वहीं अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 फीस, यानी अकाउंट मेंटेनेंस करने की भी झंझट नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एफआई मनी डेबिट कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। यानी कि दोस्तों ये जब डेबिट कार्ड इशू होगा तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेज नहीं लगेगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको इस डेबिट कार्ड को यूज भी करते हैं तो यहाँ पे आपको नील है, यानी आपको 1 भी रुपये चार्जेस नहीं देनी है। दोस्तों एफआई मनी का वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड और यहाँ पे एटीएम कार्ड यहाँ पे नील है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड से फेडरल बैंक के एटीएम से लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अदर बैंक के एटीएम में आपको जो है पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा, और फ्री लिमिट खत्म हो जाने के बाद पर ट्रांजेक्शन पे आपको जो है 20 रुपये चार्जेस लगेगा, प्लस में जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों यही रही डेबिट कार्ड की कुछ लिमिट एंड चार्जेस के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे यूपीआई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे यूपीआई भी आपको 0 ट्रांजेक्शन चार्जेस है, यानी यूपीआई अगर आप यूज करते हैं, जैसे यूपीआई के जितने सारे ऐप हैं फोन पे गूगल पे पेटीएम, आप इन सारी ऐपों का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इसकी भी चार्जेज आप देख सकते हैं 0 ट्रांजेक्शन चार्जेज है। तो दोस्तों यही रही एफआई मनी डेबिट कार्ड की कुछ लिमिट चार्जेस और यहाँ पे एनुअल फी के बारे में, जो कि उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया। वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।